नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हमारे पास है TVS Raider 125 की तीनों मॉडल्स। तो इसमें दरअसल चार मॉडल आते हैं, सिंगल सीट, स्प्लिट सीट और स्मार्ट एक्स कनेक्ट। एक आती है सुपर स्क्वायर एडिशन। तो सुपर स्क्वायर एडिशन का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके वीडियो। तो बाकी ये तीनों जो बाइक्स हैं, इसमें एक सिंगल सीट है जो कि लाल वाली है, उसके बाद जो है स्प्लिट सीट है, उसके बाद जो है ब्लूटूथ वाली है। तो तीनों को चाबी मैंने ऑन कर रखा है, तो तीनों साउंडनेस देखने पे ऐसा लगेगा, आप देख सकते हैं तीनों में देखने में कोई मतलब फर्क नहीं होता है, तीनों बाइक जो है सिमिलर होती हैं साउंडनेस देखने पे। बाकी इसमें मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि इसका प्राइस क्या होता है, माइलेज क्या होगा, फीचर्स क्या हैं और क्या क्या डिफरेंस इसमें होते हैं। बाकी ये बाइक मतलब आपको फाइनेंस में कितने की पड़ जाएगी, तो ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई पार्ट छूटे ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको स्प्लिट सीट, तो बीच में सबसे पहले हम सिंगल सीट आपको दिखाते हैं। तो सिंगल सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सीट ही दिखा देते हैं इसका। ये सीट जो है पूरा आपको सिमिलर मिलने वाला है, मतलब कहीं भी इसमें डिफरेंट नहीं किया गया है, ये जो है पूरा एक ही पीस में रहेगा। इसमें जो है आपको ऐसे यहाँ आप देखेंगे तो इसका इतना कर्व है, अब बाकी यहाँ आके सीधा हो जाता है। तो इसमें ये रहा स्प्लिट सीट में आप देख सकते हैं ये जो है अलग होता है, तो नीचे वाली सीट आगे वाले का अलग होता है राइडर का, और जो पिलियन होता है वो अलग होता है। तो इसमें ये रहा इसका ब्लूटूथ वर्जन, जो कि सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंजन चेक लाइट। बाकी यहाँ पर जो है फ्यूल एम्प्टी का सिंपल बताता है, मतलब सिंबल। बाकी यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स हैं, ये रहा लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स। बाकी पासिंग लाइट का इसमें नहीं दिखता। इको और पावर मोड ऐसे स्विच होता है, यहाँ पे जो बटन से उससे स्विच होता है, यहाँ बटन दिया गया है जिसके लिए। बाकी और इस पर जो है हम बाद में बताते हैं इसको, पहले इसका नॉर्मल वर्जन का मीटर जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो ये इसका बंद हो गया, तो अभी दिखाते हैं इसका नॉर्मल वर्जन वाला मीटर। ये रहा है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि सिंपल होता है एकदम। इसमें दो बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे, न्यूट्रल का साइन, इको मोड, यहाँ जो है पावर मोड स्विच हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर इको मोड पावर मोड स्विच कर सकते हैं। न्यूट्रल का सिंबल यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ पे इंजन चेक लाइट। और ये रहा इसका ओडोमीटर, ये है इसका जो है स्पीडोमीटर। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर टाइम बताएगा, यहाँ पर ट्रिप है। आप यहाँ से स्विच करेंगे तो ट्रिप भी, रेंज जो है आपको इसमें बताता है कि जितना फ्यूल है इसमें उसमें कितना किलोमीटर आपकी बाइक जाएगी। एवरेज भी इसमें बताता है 68 km/hr, अभी जो बाइक है 58 km चल के आई है और एवरेज इसमें बता रहा है 68 km/l। तो कंपनी तो 67 क्लेम करती है, तो हो सकता है ये एवरेज ज़्यादा दी हो। तो ये 68 km/l का इसमें एवरेज होता है, ऐसा नहीं कि ये कम नहीं बताता, ये कभी कभी जो है 55 भी बताता है, 48 भी बताता है। तो ये जेन्युइन ही बताता है यहाँ, क्योंकि 68 लिखा हुआ है तो 68 km की एवरेज दे रही होगी। तो इसमें हम इसमें दिखाते हैं, बाकी हम लाल कलर वाले में दिखाते हैं इसके मीटर में कितना एवरेज बता रहा है, क्योंकि बाइक्स जो है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप है 54। इस पर हम स्विच करते हैं ट्रिप भी, रेंज रेंज जो है अभी नहीं बताया कि पेट्रोल है नहीं उतना, इसमें इसमें जो है 49 का बता रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 68 और उसमें 49, यहाँ पर आप देखिए एवरेज 68। तो ऐसा कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका तो हो गया, ब्लूटूथ वाले का जो है मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बता दूंगा। बाकी जो है बेसिक फीचर्स मैं उसके आपको बता दूंगा पहले ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइडर का सिंबल मिल जाएगा, TVS का लोगो, नंबर प्लेट, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका मीटर कवर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है साइड फेयरिंग जो है रेड कलर में इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर जो है अपने देश का झंडा मिल जाएगा, ये ऑल डे लाइट है, DRL होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें हेडलाइट्स जो है ये रहा, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ये रहा इसका हेडलाइट। बाकी यहाँ से आप इसको अपर डिपर स्विच कर सकते हैं, ऐसा दिखता है ये। पासिंग लाइट पे भी ये जलेगा, ये तो ये ऐसा रहा। बाकी इसके इंडिकेटर्स हम आपको जला के दिखाते हैं, ये रहा इसका इंडिकेटर, हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ यह जाते हैं। बाकी इसका LED हेडलाइट पूरा सेटअप है, टेल लाइट, हेडलाइट, बाकी सब LED है।
उसके साथ साथ यहाँ पे आप साइड पैनल पे देखेंगे तो हॉर्स का 3D लोगो इसमें मिल जाएगा। ग्रासी ब्लैक निस्मिस का टैंक पैनल मिल जाएगा फ्रंट वाला, बैक वाला आपको रेड में मिलेगा। सेंटर में जो है आपको मेट ब्लैक फिनिश का मिल जाएगा, ये पूरा सेंटर कंसोल जो टैंक कवर होता है। राइट साइड में सिमिलर रहने वाला, यहाँ पे आपको USB टाइप चार्जिंग मिल जाएगा। बाकी ऊपर यहाँ पे इको मोड, पावर मोड, सेल्फ बटन, ये रहा इसका अपर डिपर, ये रहा पासिंग लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर्स और ये रहा हॉर्न। ये सिल्वर फिनिश में आपको क्लच लीवर मिल जाएंगे, ब्रेक लीवर भी सिल्वर फिनिश मिलेंगे। फ्रंट जो है डिस्क के साथ आता है, ABS इसमें नहीं होता है। इसका 240 mm इसका डिस्क प्लेट होता है और यहाँ पर कुछ ABS देखने को लगाने को दिए गए हैं लेकिन इसमें लगता नहीं है ABS। बाकी टायर साइज़ की बात करें तो 80-117 के इसमें टायर साइज आ जाता है। ट्यूबलेस टायर्स के साथ ये आ जाते हैं, TVS के टायर्स इसमें होते हैं, बाकी TVS रिमोरा के टायर्स इसमें होते हैं। फ्रंट में आपको ब्लैक मिलेगा, रेड मिलेगा, बैक साइड में आपको ब्लैक मिलेगा। ये जो है यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस होता है, तो फ्रंट टूटता है तो फ्रंट अलग से लगता है, बैक टूटता है तो बैक अलग से लगेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन गार्ड जिसकी ऊंचाई 180 mm है। बाकी यहाँ पर जो है कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, यहाँ पर लिक गार्ड लगता है जो अभी लगा नहीं हुआ है। ये रहा सिंगल हॉर्न के साथ ये आ जाता है। ऊपर की साइड आप देखेंगे यहाँ पर थर्मल सेंसर होता है, 1 लीटर मोबिल ऑयल कैपेसिटी के साथ इसका चैम्बर होता है। बाकी यहाँ पर जो है प्लास्टिक का कवर दिया है ताकि आपके पैर में जले ना, और बाकी यहाँ से जो है कट दिया गया ताकि एयर कूलिंग सिस्टम इसमें जाए, एयर जाए और ये कूल हो सके, तो कुछ ठंडा रखने का इसमें सिस्टम दिया गया है। उसी के साथ साथ हम इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको किक देखने को नहीं मिलता, ना ही इसमें आप लगवा सकते हैं। यहाँ जो है इसका एड्रेस है एल्युमिनियम का जो आ जाता है, जैसे कि अपाचे में होता है ये भी एल्युमिनियम हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है फ्रंट और बैक जो ब्रेक होते हैं ये दोनों कनेक्टेड है। अगर आप पिछला ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट ब्रेक्स भी इसमें अप्लाई होता है जो कि डिस्क होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ब्रेकिंग इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा इसका साइलेंसर जो सिल्वर फिनिश में इसका टॉप आता है। यहाँ पर भी जो मफलर गार्ड होता है ये भी सिल्वर फिनिश में आ जाता है। बाकी हम इस साइड आपको ब्लूटूथ वाले दिखाते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, सब इसमें सिमिलर होने वाला है मीटर कंसोल को छोड़ के, बाकी आपको कहीं भी कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आपको लाइट स्विच बोर्ड में इसमें देखेंगे यहाँ पे जो है आपको आई बटन मिल जाएगा जो कि माइक कंट्रोल होता है, इससे आप कुछ बोलेंगे तो इसमें जो है आपको मीटर कंसोल में दिखेगा, न्यूज़ वगैरह हो गया, बाकी वेदर कंडीशंस हो गए, उसी के साथ साथ कॉल SMS अलर्ट वगैरह सब इसी से यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पर आपको मेनू बटन मिल जाएगा, मेनू से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर में जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तभी तो मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लूटूथ वाली रहेगी वहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट बैज मिल जाएगा, बाकी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर देख सकते हैं आप पर हम लाइट का इशू है, यहाँ पर आप राहत भी आते हैं, ये रहा इसमें। बाकी यहाँ पर आपको राइडर, इसमें भी राइडर, उस साइड में भी आपके राइडर का 3D लोगो मिल जाएगा। बाकी हम ब्लू वाली दिखा देते हैं आपको, ब्लू वाले में आप देख सकते हैं ये जो है स्ट्राइकिंग ब्लू इसे कहते हैं शायद, या स्ट्राइकिंग रेड उसको कहते हैं, इसे ब्लेजिंग ब्लू कहते हैं इस कलर को, तो आपको ब्लेजिंग ब्लू कलर में आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, E20 फ्यूल के साथ सपोर्ट करते हैं तीनों बाइक, तीनों में आपको E20 का लोगो मिल जाएगा, ये रहा। बाकी चाबी सबकी सिमिलर रहने वाली, चाबी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मिरर्स आपको सब में मिलेंगे, अभी नई बाइक है इसलिए सब में लगा नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है साइड गार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे जो है सेंसर मिल जाएगा जो कि साइड स्टैंड सेंसर होता है, अगर आपका स्टैंड गिरा है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। बाकी रहा इसका गियर लीवर, 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये आ जाता है जिसकी टॉप स्पीड रहती है लगभग 108 km/h, जो कि कंपनी द्वारा क्लेम नहीं की गई है ये स्पीड जो ऑन रोड चलती है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको ग्लासी ब्लैक फिनिश में ये भी, ये जो है आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाएगा सभी बाइक्स में। ये जो है डिफरेंस, इतना जो पोर्शन है ये नहीं बदलने वाला है, ये सब में सिमिलर रहेगा सुपर स्क्वाड एडिशन को छोड़ के। तो बाकी यहाँ पर आपका टेल पैनल भी सबका सिमिलर देखने को मिल जाएगा, किसी का भी टेल पैनल डिफरेंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं तीनों जो है सिल्वर है, आपको हम एक बार पूरा फ्रेम में ले आकर दिखा देते हैं। बैक साइड पोर्शन जो है किसी भी बाइक का डिफरेंस नहीं, सबका सेम सिमिलर रहने वाला है,
जो डिफरेंस है सिर्फ वो टैंक पे रहेगा और फ्रंट में रहेगा, बाकी उसके अलावा कोई भी डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ हम दिखाते हैं इसमें इसका जो है इंजन और पावर परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम अभी। हम अगर फाइनेंस की तो आपको ये बाइक जो है 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। फाइनेंस आपको डाउन पेमेंट ये रहेगा। तो ये है सिंगल स्प्लिट और ये है ब्लूटूथ मीटर। ब्लूटूथ मीटर आपको यहाँ से पहचान में आएगा। तो ये ऐसा कुछ रहा, तो 30,000 रुपये में आपको ये बाइक जो है मिल जाएगी। बाकी आपका फाइनेंस रेट क्या होगा और जो है ब्याज दर क्या होगा वो सब आपको शोरूम पे जाके समझना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको जो है अभी रियर टायर प्रोफाइल नहीं दिखाया, तो रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS के टायर्स आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे रिमोरा के टायर्स होते हैं, TVS रिमोरा 190/17 के इसमें टायर साइज होता है। तो ये रहा इसका कुछ टायर साइज। पीछे में आपको जो है ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक इसमें ऑप्शन नहीं आते किसी भी बाइक पे राइडर में। और उसी के साथ साथ ओपन चैन सिस्टम के साथ ये आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर 500 किलोमीटर पर आपको इसको साफ करा के आपको स्प्रे मारना पड़ेगा, नहीं तो आपकी चैन पॉकेट की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसी के साथ हम बात करने वाले थे इसके इंजन और पावर की। तो इंजन की बात करें तो ये जो होता है इसका 124.8 cc का इसमें सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व इंजन के साथ ये आ जाता है। बाकी अगर हम पावर की बात करें तो 11.38 PS का पावर जनरेट करता है ये 7,500 RPM पर। और टॉर्क जो है 11.2 Nm का टॉर्क 6,000 RPM पर ये जनरेट करता है। अगर इसकी सिटी माइलेज बात करें तो 71.94 किलोमीटर होता है। और ओवरऑल माइलेज की बात करें तो 67 km/L इसमें माइलेज आता है। और टोटल बाइक के हम वेट की बात करें तो 123 किलो का इसका वेट होता है कोई भी बाइक हो। 10 लीटर फ्यूल टैंक FCD के साथ आ जाते हैं ये तीनों। 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक की इसकी वारंटी होती है। और 0 to 80 इसको लगता है 11 point कुछ सेकंड इसको लगते हैं 0 to 80 इसको पकड़ने में। तो ओवरऑल जो है ये फास्टेस्ट बाइक है 125 सेकंड में TVS की। और अगर हम बात करें इसके TFT डिस्प्ले की तो 125 cc सेगमेंट में आपको कोई भी बाइक जो है TFT डिस्प्ले नहीं देता है TVS के अलावा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TFT डिस्प्ले है, कोई डिजिटल मीटर वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये जो है मेनू बटन है, इससे जो है ब्लूटूथ डिवाइस जब यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाया है कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो गाड़ी जब सेल होगी तो उसके बाद ये मीटर जो है कनेक्टेड होता है, इसके पहले ये जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चाबी आप बंद करेंगे तो इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा के ये लाइट जो है अभी चाबी बंद है बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ देखने को इसमें मिल जाता है। बाकी ओवरऑल हम बाइक की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो सिंगल सीट की कीमत जो है वो आपको पड़ने वाली है 1,17,500 इंक्लूडिंग हेलमेट। और अगर स्प्लिट सीट की बात करें तो वो आपको पड़ने वाली है 1,18,500। बाकी अगर हम बात करते हैं अगर जो है ब्लूटूथ वाली की तो वो आपको पड़ने वाली है 1,26,500 रुपये के आसपास ये बाइक आपको पड़ने वाली है। ब्लूटूथ मीटर की सिर्फ बात करते हैं तो इसका प्राइसिंग क्या होता है, तो इसका मीटर जो है सिर्फ और सिर्फ 19,000 का इसका जो है सिर्फ TFT डिस्प्ले ही होता है, जितने में एक आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। बाकी इन सब के मीटर की बात करें तो ये 5,500 से 6,000 रुपये के आसपास इसका मीटर होता है। तो अगर आपकी बाइक की इंश्योरेंस नहीं है तो आप ब्लूटूथ आपका मतलब मीटर ये टूट जाता है तो आपको 19,000 रुपये भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल की चीज़ की वारंटी नहीं होती है टूटने फूटने का। तो ये सिर्फ आपको इंश्योरेंस में क्लेम में मिल सकता है, या फिर आपको अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप लीजिएगा और गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा करा के रखिएगा, नहीं तो आपको भारी खर्चे का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये वीडियो हम आप यहीं ख़त्म कर सकते हैं। बाकी सीट हाइट की हम बात करें तो 180 मिलीमीटर का इसका सीट हाइट होता है, जितना कि अपाचे का होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय।